नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में महीनों बाद ईओयू ने किया बड़ा खुलासा। फाइनल में पहुंचने पर रोहित ने की टीम की तारीफ। बिहार में एक प्रखंड एक पर्यटन स्थल योजना पर चल रहा काम। बीजेपी के लापता बेटे को दानापुर पुलिस ने किया ग्रेटर नोएडा से सकुशल बरामद। बिजली ऑफिस कर्मचारी बनकर साइबर अपराधियों ने की 6 लाख की ठगी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में महीनों बाद ईओयू ने किया बड़ा खुलासा। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में महीनों बाद ईओयू ने किया बड़ा खुलासा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में महीनों के बाद ईओयू द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। ईओयू द्वारा महीनों बाद यह जानकारी दी गई है कि सिपाही भर्ती का प्रश्न पत्र परीक्षा के 4 दिन पहले ही लीक हो गया था। दरअसल 1 अक्टूबर 2023 को 21,000 से अधिक पदों के लिए सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसे पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया गया था। वहीं इसके साथ ही 7 और 15 अक्टूबर को होने वाले परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया था, जिसमें संजीव मुखिया का बेटा भी शामिल था। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली में होगी देरी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसी साल अक्टूबर तक नर्स सहित स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब पेच फंसता हुआ दिख रहा है। पिछले दिनों हाईकोर्ट द्वारा बिहार में आरक्षण सीमा 50 से 65% करने के फैसले पर रोक लगा दिया गया था। ऐसे में वैकेंसी को लेकर दुविधा की स्थिति यह है कि कौन से नियम के साथ आरक्षण लागू होगा। इस मामले में जब तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मामले में आरक्षण प्रतिशत फाइनल नहीं होता है और कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं किया जाता है, तब तक नियुक्ति नहीं हो पाएगी। नेपाल फरार हुआ सेटर रॉकी, सीबीआई कर रही है तलाश। नीट पेपर लीक मामले में उत्तर बिहार में प्रश्न पत्र हल करवा कर उत्तर के साथ चिंटू के माध्यम से सप्लाई करने वाला शख्स रॉकी को माना जा रहा है। वहीं हजारीबाग के परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र निकलवाने में भी इसकी अहम भूमिका मानी जा रही है। पटना की आर्थिक अपराध इकाई के बाद अब सीबीआई भी इसकी तलाश में लगी हुई है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जांच एजेंसियों को उसके नेपाल भागने की सूचना मिली है। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में सरगना संजीव मुखिया के भी नेपाल में छिपे होने की खबर जांच एजेंसियों को मिली थी। वहीं अब सीबीआई अपनी कार्यवाही का दायरा बढ़ाते हुए उसकी तलाश में जुटा हुआ है। बिहार के 11 एमवीआई को बनाया गया जिला परिवहन पदाधिकारी। परिवहन विभाग द्वारा बिहार के 11 मोटर वाहन निरीक्षक को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है, जिसे लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार गोपालगंज उपेंद्र राव, औरंगाबाद अर्चना कुमारी, नालंदा विनोद कुमार, कटिहार से संजीव कुमार सिंह, रोहतास से संजय कुमार, वैशाली से संतोष कुमार सिंह, पूर्णिया गौतम कुमार, समस्तीपुर से रंजीत कुमार, सिवान से संजय कुमार, भागलपुर से निशांत कुमार, मुंगेर दिव्य प्रकाश एमवीआई को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है। चेक रिपब्लिक के नागरिक को हाईकोर्ट ने दिया 15 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश। भारत में नेपाल के रास्ते घुसपैठ करने के मामले में चेक रिपब्लिक के नागरिक को पटना हाईकोर्ट ने 15 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। कॉस्प्रेक पेट्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विवेक चौधरी की एकल पीठ ने चेक रिपब्लिक के दूतावास को उसे स्वदेश वापस भेजने के संबंध में कार्यवाही का आदेश दिया। बता दें कि नेपाल होकर भारत में प्रवेश के दौरान कॉस्पेरक को रक्सौल में वैध वीजा नहीं होने के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। राज्य के 97% सरकारी अस्पताल सफाई और हाइजीन में फेल। राज्य के सरकारी अस्पतालों को लेकर लगातार सरकार द्वारा कई बड़े दावे किए जाते हैं, जबकि सफाई और हाइजीन के मामले में राज्य के सरकारी अस्पताल बुरी तरह फेल होते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के बाद जो बात सामने आई है, उसके अनुसार केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना में सूबे के सिर्फ 2.4% अस्पताल को ही 70% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत राज्य के 10,992 अस्पतालों का मूल्यांकन किया गया था, जिनमें सिर्फ 301 अस्पताल को 70% से अधिक अंक मिले हैं।
उच्च स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा पटना का मोइनुल हक स्टेडियम। बिहार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी द्वारा कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक के बाद बीसीए कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया गया कि 350 से 550 करोड़ की संभावित लागत से अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। सम्मेलन के दौरान उन्होंने बताया कि मोइनुल हक स्टेडियम में एक मैदान, 5 सितारा सुविधा युक्त आवासीय परिसर, क्लब हाउस सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम का निर्माण कार्य संभवतः सितंबर तक प्रारंभ हो जाएगा। बिजली ऑफिस कर्मचारी बनकर साइबर अपराधियों ने की 6 लाख की ठगी। बिहार में इन दिनों साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नए मामले में बिजली ऑफिस का कर्मचारी बताकर स्मार्ट मीटर चार्ज करने की झांसे में लेकर एक व्यक्ति से साइबर बदमाशों ने करीब 6 लाख रुपए उड़ा लिए। साइबर अपराधियों ने बिजली ऑफिस का कर्मचारी बनकर कॉल किया था और झांसा देकर व्हाट्सएप पर बिजली विभाग का ऐप भेजने और उसे डाउनलोड कर डिटेल भरने की बात कही। कंज्यूमर आईडी और मोबाइल नंबर डालते ही ऐप पर 13 रुपए का रिचार्ज करने का ऑप्शन आया और उन्होंने जैसे ही डेबिट कार्ड का नंबर डाला, इसके कुछ ही देर बाद बदमाशों ने व्यक्ति के खाते से करीब 6 लाख रुपए की निकासी कर ली। मामले में पीड़ित ने साइबर थाने में केस दर्ज करवाया है। बिहार में एक प्रखंड एक पर्यटन स्थल योजना पर चल रहा काम। बिहार में हर प्रखंड के अंदर एक बेहतर पर्यटन स्थल बनेगा और इस दिशा में पर्यटन विभाग द्वारा एक प्रखंड एक पर्यटन स्थल की योजना पर काम शुरू किया गया है। वहीं गुरुवार को यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स आदि के साथ बैठक करते हुए पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने उनसे बिहार के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग में मददगार बनने की अपील की है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने सभी से अपने स्तर से बिहार की बेहतर छवि गढ़ने के लिए काम करने के लिए कहा। इस मौके पर उन्होंने मधुबनी पर आधारित करली टेल्स के एपिसोड्स को भी लॉन्च किया। इसमें उच्चैठ, भगवती स्थान, सोमनाथ महादेव मंदिर, राजनगर पैलेस व नवलखा पैलेस, मिथिला हाट, मधुबनी पेंटिंग और मिथिला चित्रकला संस्थान की जानकारी दी गई है। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और समुदाय को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग द्वारा आज 28 जून को स्थानीय राम सुंदर दास पार्क में एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर में रक्तचाप जांच, रक्त शर्करा परीक्षण, दर्द से संबंधित विशेषज्ञों के साथ परामर्श जैसे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। यह शिविर सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए आयोजित किया गया। बीजेपी के लापता बेटे को दानापुर पुलिस ने किया ग्रेटर नोएडा से सकुशल बरामद। राजधानी पटना के दानापुर से लापता बीजेपी नेता राजेश कुमार सिंह के 21 वर्षीय पुत्र आशु को पुलिस द्वारा दिल्ली के ग्रेटर नोएडा से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पटना दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी बीजेपी नेता राजेश कुमार सिंह का बेटा अपने घर से सिवान के दुरौंधा में बी फार्मा का एग्जाम देने गया था, जिसके बाद से ही वह गायब था। परिजनों ने पुलिस में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। वहीं आशु के लैपटॉप व मोबाइल की छानबीन करने के बाद दानापुर पुलिस को उसके दिल्ली में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है और आज उसे दानापुर लाया जाएगा, जिसके बाद ही यह खुलासा हो सकेगा कि उसका अपहरण किया गया था या वो खुद भागा था। दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम नीतीश। 29 जून यानी कल दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश द्वारा कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है, तो वहीं जेडीयू के अंदर अगले 2 दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले सीएम नीतीश राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश आज शुक्रवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। राम मंदिर की छत से टपकने लगा पानी, लालू यादव ने साधा सरकार पर निशाना। जनवरी 2024 में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, वहीं अब 6 महीने बाद पहले ही बारिश में कथित तौर पर राम मंदिर की छत टपकने लगी है। वहीं अब राम मंदिर की छत से बारिश के पानी के टपकने का मामला भी तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। विपक्ष सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही है। वहीं अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लालू यादव ने लिखा है कि धर्माचार्यों ने मना किया था, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने प्रचार प्रसार एवं चुनावी लाभ के लिए आनन फानन में अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कर दिया। अब राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में हो एंट्री, जमा खान का बयान।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बिहार की राजनीति में एंट्री की मांग एक बार फिर उठी है। दरअसल जदयू नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने अब निशांत कुमार को राजनीति में आने की मांग कर दी है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। अगर वो जदयू में शामिल होते हैं और कमान संभालते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। फाइनल में पहुंचने पर रोहित ने की टीम की तारीफ। 27 जून को सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से मात देकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। 10 साल के बाद टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश करने में सफल रही। अब 29 जून को साउथ अफ्रीका के साथ भारत के फाइनल में भिड़ंत होनी है। वहीं टीम इंडिया के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। वहीं विराट कोहली की फॉर्म पर बात करते हुए रोहित ने कहा, हम कोहली की क्लास को समझते हैं। जब आप 15 साल के क्रिकेट खेल चुके हैं तो फॉर्म अधिक मायने नहीं रखते, संभवतः वह फाइनल के लिए बचा रहे हैं। वहीं आईसीसी ट्रॉफी जीतने के सवाल पर रोहित ने कहा कि हम अपना बेस्ट देंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सादुल्लाह पालवी, राजकिशोर महतो, कुमार धीरज, जितेंद्र ठाकुर, गोनर शर्मा, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार गुप्ता, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजीव कुमार, रकीब रजा, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, रंजन पासवान, नौसाद रजा, गुप्ता प्रियांशु, धनंजय सिंह, बाबुल मरांडी, उमेश ऋषिदेव, सोनू कुमार, अतुल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की शानदार जीत पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।